हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ शाइनी। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं। मैं भी अच्छी हूँ। आशा करती हूँ आप सब ने बहुत अच्छे से नवरात्रि, दशहरा और दुर्गा पूजा सेलिब्रेट किया है। আমার সমস্ত বাঙালি বন্ধুদের জানাই শুভ বিজয়ার প্রীতি ও শুভেচ্ছা। সবাই খুব ভালো থেকো আর সবাইকে ভালো রেখো। আজ কা ভিডিও কোই কুকিং ভিডিও নেহি হ্যায়। আজ মে আপ লোগোঁ কে সাথ মেরি আর্ট কি কালেকশন শেয়ার করনে ওয়ালি হুঁ। बचपन से ही मुझे क्रिएटिव चीज़ें करना बहुत अच्छा लगता है। मैंने कभी पेंटिंग सीखा नहीं है। जब भी मुझे फ्री टाइम मिलता है मैं प्रैक्टिस करने की कोशिश करती हूँ। तो चलिए देखते हैं। जामिनी रॉय इंडिया के बहुत ही फेमस एक आर्टिस्ट हैं। उन्हें 1954 में पद्मभूषण भी मिला था। ही वॉज वन ऑफ द फेमस स्टूडेंट ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर। उनके ये आर्ट फॉर्म बंगाली लाइफस्टाइल, बंगाली कल्चर, बंगाली फैमिलीज को रिप्रेजेंट करता है। वार्ली आर्ट काफ़ी पुरानी इंडियन ट्राइबल आर्ट फॉर्म में से एक है। ये ओरिजिनेट हुआ था महाराष्ट्र में। ये कोई आर्ट फॉर्म नहीं है। गणेश जी की ये पिक्चर मुझे इंटरनेट से ही मिला था और मुझे बहुत अच्छा लगा देख के, तो मैंने इसे बना लिया। पिचवाई एक डिवोशनल आर्ट फॉर्म है जहाँ पे भगवान कृष्ण जी को पोर्ट्रे किया जाता है। ये साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, औरंगाबाद के कुछ गांव और राजस्थान के नथरवाड़ा गांव में ओरिजिनेट हुआ था। तब के जमाने के जो इलिटरेट लोग थे उन्हें कृष्ण जी के स्टोरी बताने के लिए ये पिचवाई आर्ट यूज किया जाता था। ये कामधेनु गाय है जो कि भगवान कृष्ण जी के वाहन है। गोंद एक ट्राइबल एंड फोक आर्ट फॉर्म है। इंडिया इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्राइबल कम्युनिटी गोंद है। मेनली दे आर बेस्ड ऑन मध्य प्रदेश, लेकिन आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र एंड ओडिशा के भी कुछ कुछ जगहों में इन कम्युनिटी के वास है। माना जाता है ये द्रविड़ियन है और इनका लैंग्वेज है तेलुगु एंड द्रविड़ियन। ये पेंटिंग के थ्रू अपने स्टोरीज एंड कल्चर पोर्ट्रे करते हैं।
गोंद वर्ड द्रविड़ियन वर्ड कौन से आया है जिसका मतलब है द ग्रीन माउंटेन? दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट पेंटिंग। इस पेंटिंग के आर्टिस्ट हैं मोना विश्वरूपा मोहंती। ये मेनली वुमेन सेंट्रिक पेंटिंग्स ही बनाते हैं। मुझे इनका पेंटिंग स्टाइल बहुत पसंद है, काफी रिफ्रेशिंग है, उसके साथ एक ट्रेडिशनल टच भी है। मधुबनी भी इंडिया के एक बहुत ही पुरानी आर्ट फॉर्म है। ये ओरिजिनेट हुआ था बिहार के मिथिला और नेपाल में। इसे मिथिला आर्ट भी कहा जाता है। मधुबनी पेंटिंग्स बहुत ही कलरफुल होते हैं एंड इसमें जो भी कलर्स यूज होते हैं वो सारे ही नेचुरल कलर्स होते हैं। मधुबनी पेंटिंग के थ्रू ओकेशंस, रिचुअल्स या फेस्टिवल को पोर्ट्रे किया जाता है। The traditional Madhubani painting was based on plaster mud wall, लेकिन अभी cloth, handmade paper और canvas में भी बनते हैं। ये भी एक जामिनी रॉय आर्ट है। ये मेरी लास्ट पेंटिंग है। दुर्गा पूजा के कुछ ही दिन पहले मैंने इसे बनाई है।
ट्रेडिशनल इंडियन आर्ट फॉर्म्स बहुत पसंद है और जितने भी पेंटिंग्स मैंने बनाए हैं सारे ही पिंटरेस्ट इंस्पायर्ड हैं। पिंटरेस्ट एक बहुत ही यूजफुल ऐप है जहाँ से आप कोई भी चीज़ के बारे में आइडियाज़ ले सकते हैं। मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। कैसी लगी मेरी पेंटिंग और कौन सी पेंटिंग ज़्यादा अच्छी लगी कमेंट सेक्शन में मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल बटन। आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे भी मैं काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें शेयर करती हूँ। तो आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ, फिर मिलेंगे एक नए इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय एंड